नमस्कार प्यारे साथियों मैं नरेंद्र नरेंद्र मैथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूँ आज हम मैंसुरेशन की दूसरी क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे आज घन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों मैं थ्री डी टू डी कंप्लीट हो गई है टू डी की पांच क्लास थी वो पांचों क्लास अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर मेरे नरेंद्र मैथ चैनल पर ही ठीक है तो जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और इस क्लास की पी मेरा नरेंद्र मे टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी पी डेली की मिल जाती है तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उसमें डेली की क्लास की पी आती है उस पी को आप डाउनलोड कर लीजिए ये क्लासे एक्चुअल में यह है कि रेलवे एल पी टेक्निशियन और आर के लिए स्टार्ट की गई है इन क्लासों इन क्लासों में यह है कि आपको मैं इस प्रकार लेके आया हूँ ये क्लासें कि इसमें आपको ना ही तो प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत है और ना ही कहीं से कंसेप्ट इसमें कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर को कंसेप्ट में लगा रहा हूँ ताकि आपको प्रीवियस ईयर निकालने के बाद आप, आप जब थ्री डी पढ़ लोगे तो के ऑलमोस्ट आप छह सौ क्वेश्चन कर चुके होंगे हालांकि छह सौ क्वेश्चन में जितने टाइप है उनके हर टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन ले रहा हूँ लेकिन अगर इनको भी अगर आप दो बार निकाल लेते एक बार क्लास में और एक बार रू घर पे जाके निकाल लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके होंगे आपने अगर ये एक बार भी पढ़ लिया तो क्लास बार बार लेने की आवश्यकता नहीं है ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया मैथ्स की क्लास इस प्रकार जीएस वाली तरह नहीं होनी चाहिए किसी क्लास ले ली फिर क्लास लेने के बावजूद हमने नोट्स नहीं बनाए और फिर उसके बावजूद फिर वापस क्लास लेनी पड़ रही है रिविजन के लिए हमें क्लास नहीं लेनी है रिविजन के लिए हमें नोट्स ये पी रहेगी आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता रफ पेज रखिए और एक पेन रखिए बस क्वेश्चन को हल कीजिए कंसेप्ट को समझते रहिए बाकी सब चीज मैंने टाइप करवाई हुई चीज भी है और मैं पेन से भी समझा रहा हूं हर चीज ठीक है तो आज हम चलो तो गन की शुरुआत करते हैं और एक बार जो भी दोस्त नहीं जुड़े हैं वो सभी क्लास में लाइव आ जाए एक बार और जो भी आपके दोस्त हैं उनको प्लीज क्लास को शेयर कीजिए ठीक है तो आज हम घन पढ़ेंगे और घन के लिए कल मैंने थ्री बताया था कि थ्री के लिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे चारों दीवानों को क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि फर्श का परिमाप गुणा ऊंचाई और अगर दो विमा अब तीन विमा आयतन कैसे निकालेंगे तो फर्श का क्षेत्रफल प्लस ऊंचाई लेकिन संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया तो लेकिन इसके साथ छत का और फर्श का क्षेत्रफल और ऐड कर देते हैं तो ये कंप्लीट हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है ठीक है तो आज हम पढ़ते हैं घन के बारे में ठीक है तो घन क्या है यह हम घन बनाते हैं घन ऐसा मानो जैसे हमारे स्कूलों में चौक का डिब्बा आजकल तो डिजिटल बोर्ड हो गया लेकिन पहले चौक का डिब्बा हुआ करता था तो वह एक तरफ एक तरह घन का आकार का हुआ करता था इस घन में क्या रहता है यह अब हमारा एक कमरा जो जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम हाइट की तो, हाइट भी हाइट लंबाई और चौड़ाई जैसे दस फीट हाइट है दस फिट चौड़ाई और दस फीट ही लंबाई एक तरफ का गनाब हम प्रत्येक घन गन को गनाब बोल सकते हैं लेकिन प्रत्येक गनाब को घन गन नहीं बोल सकते प्रत्येक घन घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर कंप्लीट सेम है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम है तो घन हो गया लेकिन इसको हम गना भी तो बोल सकते क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेकिन गनाब की ऊँचाई दो पांच और सात दी हुई है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसको क्योंकि गन क्योंकि लिए कंडीशन होती है कि गन के लिए कंप्लीट तीनों विमाइज सेम होनी चाहिए ठीक है तो बीच में क्या है देखो चार तो ऊपर शीर्ष है चार तो ऊपर शीर्ष है ये देखो ऊपर चार शीर्ष है और चार ही शीर्ष इसमें दोस्तों नीचे हैं चार ही शीर्ष दोस्तों इसमें नीचे हैं अब चार और चार कितने हो गए आठ शीर्ष हो गए दोस्तों तो घन में कितने कितने होते है? कितने होते हैं हैं घन में दोस्तों घन में शीर्ष आठ होते हैं चार ऊपर और चार नीचे इसके साथ सरफेस सरफेस यानी एक दीवार तो इसमें घन में कितनी दीवार छत को और फर्श को भी सरफेस सतह माननी है एक दो तीन चार एक फर्श पांच और एक ऊपर वाला छ तो सतह कितनी हो गई छ हो गई दोस्तों सतह हो गई दोस्तों छह इसके साथ किनारे किनारे कितने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह तो बारह इसमें किनारे हैं तो किनारे कितने हैं दोस्तों इसमें बार। तो और घन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है बस उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब सेम होगी यानी चारों जिस तरफ से भी देखोगे उस तरफ आपको वर्ग नजर आएगा अगर आप घन को अगर आप ऊपर से देखते हो तो मैक्सिमम आप तीन पृष्ठ देख सकते हैं अगर कमरे के ऊपर जाके देखते हैं अगर कोने से देखते हैं तो तीन पृष्ठ देख सकते हैं लेकिन इसके अलावा अगर आप साइड में जाके देखते हैं तो सिर्फ एक पृष्ठ देख सकते हैं ठीक है और अगर आप किनारे से उसको देखते हैं तो आप उसके दो पृष्ठ देख सकते हैं ठीक है सुनीता चौधरी अभिषेक चौधरी अभी सभी बच्चे लाइव नहीं हो पाए जो भी नहीं हो पा रहे हैं लाइव तो उनको प्लीज एक बार सब्सक्राइब शेयर कीजिए चैनल ये क्लास का लिंक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ पाए और क्लास का लाभ उठा पाए ठीक है इसमें किनारे आ गए सतह आ गई शीर्ष आ गया अब विकर्ण क्या होगा देखो विकर्ण ये इधर वाला कोना और ये ऊपर वाला ये नीचे वाला ये तो है विकर्ण और फर्श सतह का विकर्ण अलग होता है सतह का जैसे ये सामने वाला वर्ग है क्या है ये सामने वाला वर्ग है ये ये देखो ये इसका विकर्ण है यह सतह का विकरण है तो इसको क्या बोलेंगे हम दोस्तों यह है सतह का विकर्ण क्या है सतह का विकर्ण है लेकिन ये ये क्या है गना घन गन का विकरण है दोस्तों तो यह चीज आपको समझ में आना जरूरी है ठीक है

आज हम घन को कंप्लीट करेंगे चाहे एक घंटा लगे चाहे आधा घंटा लगे चाहे दो घंटे लगे ठीक है अब है ये घन का विकर्ण है और यह सत्य का विकर्ण है ठीक है? है अब इसके बारे में क्या पढ़ेंगे आगे इसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसका पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसकी बुझा भुजा कितनी है भुजा मानेंगे ए दोस्तों कितनी मानेंगे भुजा भुजा मानेंगे इसकी ए भुजा मानेंगे क्योंकि यह भुजा जगह जगह लिखेंगे उससे बढ़िया है ए लिखेंगे और इसमें से मानने वाला कुछ नहीं एक जगह दस आएगा तो दस रखेंगे ऐसा नहीं है ठीक है अब है कि सतह का क्षेत्रफल तो सतह का क्षेत्रफल छह सतह होती है और प्रत्येक सतह वर्गाकार होगी और प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल सम्मान होगा क्योंकि तो अगर सारी कंप्लीट भुजाएं सम्मान है तो उसका हर सतह का क्षेत्रफल भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है तो हर सतह का क्षेत्रफल भी समान होगा तो पहले फर्श का क्षेत्रफल फर्श या सतह का एक सतह का क्षेत्रफल एक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा वर्गाकार है और वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होगा स्क्वायर क्या होगा दोस्तों बुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ठीक है तो अब एक सतह का क्षेत्रफल इतना हो गया तो छह सतहों का क्षेत्रफल कितना होगा छह इंटू ए स्क्वायर तो पहले चारों दीवारों का तो पार्श्व पार्शी क्षेत्रफल कितना हो गया फोर ए स्क्वायर चार दीवारें चारे खड़ी चार दीवारें हैं तो चार दीवारें हैं खड़ी है और उनमें खड़ी है तो उनमें क्या है कि चार सतह हो तो चार सतहों का क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों चार ए स्क्वायर लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया दोस्तों सिक्स ए स्क्वायर अब क्या है आयतन आयतन क्या होगा प्रश्न का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई तो फ्रस का क्षेत्रफल तो हो गया बुझाई स्क्वायर बुझाई यानी ए स्क्वायर और ऊंचाई ऊंचाई भी तो बुझाई है तो ऊंचाई भी बुझाई है यानी कितना आ गया ए क्यों अब उसमें ये था देखो ये कंप्लीट चीजें गना वाले हैं ना गना में एल बी और एच उनकी जगह सभी की जगह ए ए रख दो यही फॉर्मूले वो, वो था चारू एल प्लस बी गुणा एच एल और बी की जगह ए रखें तो टू -A. तो टू गुणा टू ए गुणा एच और एच की जगह भी आप ए रखो तो दो चार और एर ए, 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 ए स्क्वायर तो फोर ए स्क्वायर फोर स्क्वायर यह है, है। तीन तो ए स्क्वायर तो प्लस, 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 तो प्लस दो तो स्क्वायर तो यह हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एल बी एच होता था तो ए तो ए क्यों इसका वो आ गया आयतन आ गया अब आता है विकर्ण घन का विकर्ण घन का विकर्ण और घन का विकर्ण क्या होगा रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी रूट तीन ए यानी भुजा का रूट तीन गुणा होगा लेकिन सतह का सतह का विकर्ण और सतह का दोस्तों विकर्ण क्या होगा रूट दो ए यानी ये वर्गाकार है और यह वर्गाकार है तो इस वर्गाकार सतह का विकर्ण क्या होगा ये ए है ये ए है तो यह रूट दो ए हो जाएगी लेकिन अगर यह विकर्ण है विकर्ण यहां से ये मान लो चाहे ये मान लो क्योंकि ये अंदर पीछे वाला और नीचे वाला है ये ऊपर वाला और सामने वाला है तो इसकी कितनी हो जाएगी हाइट रूट तीन ए ये एक्चुअल में ना हमारे को दिखने है, लेकिन यह थ्री में है तो थ्री में तो उस कोने से यहां तक आएंगे ना तो वो कितना हो जाएगा इसका रूट तीन है लेकिन इस कोने से यहां इस दीवार का निकलेंगे तो कितना रहेगा दोस्तों ये रहेगा इसका रूट दो ए और इसमें अगर लंबी छड़ी की मैक्सिमम कितनी बड़ी छड़ी रखी जा सकती है सीधी रखेंगे तो वो जाके हिसाब से विकर्ण के हिसाब से रखेंगे तो सतह का लेकिन अगर उस कोने से इस कोने तक रखेंगे कमरे में तो सबसे बड़ी छड़ी होगी और उस छड़ी का लंबाई कितनी होगी रूट तीन ए ठीक है तो अब देखो जो लिखाउट है वो चीज देख लेते हैं आपको ये थ्री डी में डायग्राम है इसको इस शीर्ष को गलत लिख दिया ठीक है तो ये सतह है तो यहां से ये सतह हो गई किनारे तो किनारे कौन सा है किनारा ये हो गया शीर्ष शीर्ष ये हो गया विकर्ण तो विकर्ण ये था तो विकर्ण हो गया ये क्या हो गया विकर्ण विकर्ण हो गया दोस्तों ये ठीक है यह ऊंचाई आ गई ये लंबाई आ गई चौड़ाई ये, ये सभी कितनी है ये भी ए रहेगी ये भी ए रहेगी और ये जो चौड़ाई है ये भी ए रहेगी ठीक है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सभी कितनी रहेगी ए ए और दोस्तों ए आयतन बुझा क्यों पांच रूप से चार इंटू बूझा इसका ये सब चीजें लिखी हुई है हमने पढ़ ली ठीक है नेक्स्ट है कि विकर्ण विकर्ण रूट तीन बुझा आ गया और जो ये है गन की सतह का विकर्ण रूट दो बुझाए बुझा है तो ये भी मैंने बता दिया कि ये कैसे आया ठीक है आगे की एक घनाकार कमरे के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी

सिर्फ दो जो शीर्ष है ये देखो एक तो ये और ये की इसको टच करेगा पहले देखेंगे सतह वाला अंदर वाला अंदर वाला इस सतह को कर रहा है इस सतह को कर रहा है तो यहां से यहां से ये यह लंबाई कितनी है ए है और ये यह यहां पे सेंटर है तो ये आर और आर तो अंत व्रत अंत व्रत की त्रिज्या दोस्तों अंत व्रत की त्रिज्या आर कितनी होगी टू आर बराबर ए है तो आर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगी ए बाई टू समझ में आया मैंने बताया कि ये इस सतह से लेके आगे तक ये तो क्या थ्री डी डायग्राम लेकिन आप समझो कि इस कमरे में एक बॉल रखी हुई है कंप्लीट जो इस सतह को टच कर रही है ऊपर वाली छत को भी कर रहा है इसको भी कर रही है इसको भी और इसको भी तो कोई भी दो सतह ले लो और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहती है ए और वो ए अगर कंप्लीट व्यास रहता है क्योंकि वर्त का क्या रहता है सेंटर से प्रीति तक आर रहती है और इस प्रीति से उस प्रीति तक सेंटर से वो गुजरने वाली जीवा व्यास होती है तो व्यास टू आर रहती है तो आर बराबर ए बाई टू अब है बाहर वाला तो बाहर वाला बाय व्रत है तो यहां से लेके ये विकर्ण हो गया दोस्तों और ये विकर्ण क्या होता है बाय व्रत बाह्य व्रत की त्रिज्या बाह्य व्रत की त्रिज्या बाह्य व्रत की त्रिज्या कैपिटल आर मान रहे हैं दोस्तों और कैपिटल आर के लिए ये कितना है विकर्ण कितना है रूट तीन ए कितना है विकर्ण कितना है रूट तीन ए तो ये भी व्यास हो गया तो टू आर बराबर रूट तीन ए तो टू आर बराबर रूट तीन ए तो आर बराबर क्या आ गया दोस्तों रूट तीन दो, तो ये आपके लिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है दोस्तों यह चीजें हमने पढ़ ली अब नेक्स्ट यह चीजें यदि दो गनों को जोड़ दिया जाए तो उसका आयतन गन है उसकी त्रिज्या क्या है त्रिज्या है वो, गन की भुजा है वो की भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे जब दो कमरों को एक साथ जोड़ेंगे हम पीछे हमारे पीछे दो वर्गाकार गन है और दोनों गनों में क्या है दोनों कम दो कमरे है वो कंटिन्यू अगर दोनों कमरों को एक साथ देखते हैं दूर से जाके देखते हैं तो वो आप दिखते हैं अगर कमरे में जाके देखते हैं तो घन दिखता है क्योंकि चारों तरफ से दस बाय दस बाई दस का है कैसे हो? कैसे हो हो सर आप एकदम बढ़िया बेटे आप बताओ आप कैसे हो मैं एकदम अपनी जगह सह कुशल हूं आप बताइए आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है ठीक है तो ये अगर इन दोनों को ऐड करते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी हाइट है वो हाइट ए ही रहेगी चौड़ाई है तो चौड़ाई ए ही रहेगी लेकिन लंबाई लंबाई देखो पहले यहां से यहां तक थी अब यहां से यहां तक हो गई तो ये ए प्लस ए कितनी हो गई टू ए हो गई तो पहले इसका क्षेत्रफल देखेंगे इसका क्षेत्रफल कैसे देखेंगे क्षेत्रफल ये देखेंगे कि पहले तो ये गनाब हो गए और गनाब का क्षेत्रफल डायरेक्ट देख लो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकाल लो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल तो टू एल बी एल लंबाई टू ए और बी चौड़ाई ए तो टू ए स्क्वायर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई स्क्वायर और फिर ऊंचाई लंबाई टू ए स्क्वायर तो दो और दो चार चार और एक पांच पांच को दो से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो दस ए स्क्वायर तो ये तो संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया अब अगर इसमें आयतन निकालेंगे आयतन क्या लिखेंगे एल बी एच और एल बी एच के लिए क्या है आयतन क्या है एल बी एच एल बी एच में लिखेंगे टू ए गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई तो टू ए क्यूप वैसे इसका एक क्यूब और इसका एक क्यूब तो वैसे ऐड करेंगे आयतन में कोई जितनी चीजों को आप जोड़ोगे तो उनका मेटेरियल जुड़ेगा तो उनका आयतन का भी योग हो जाएगा ठीक है लेकिन ये देखो कांसेप्ट से भी ऐसे आ गया कि 2a क्यूब क्या बोल रहा है वो अच्छा अभी लावणी चल रही है क्या आपके <laughs> ठीक है वो भी करवानी चाहिए लेकिन देखो हर इंसान ये घर के जो काम है वो भी करता है ऐसा नहीं कि आप ही कर रहे हैं हर कैंडिडेट है वो हर स्टूडेंट है वो घर का काम भी करता है कई ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं उसके साथ सा, उसके साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बहुत बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट टाइम जॉब करने के बावजूद अच्छी अच्छी पोस्टों पर है तो ये तो है कि गांव में ये अभी सीजन भी चल रहा है आपका गेहूं का जो का लेकिन इसके साथ ये है कि आपको पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना आवश्यक है ठीक है तो ये आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए हाँ मानता हूँ जैसे कि काम रहता है सुबह सात से आप दस ग्यारह बजे तक काम करो शाम को चार से सात आठ बजे तक सात बजे तक काम करो या साढ़े तीन तक लेकिन उसके बाद तो पढ़ाई का टाइम रहना चाहिए कि दोपहर में सो लिया सुबह चार से सात पढ़ लिया रात को सात से दस तक पढ़ लिया तो तीन और तीन छह घंटे भी अगर काम करने के बावजूद छह घंटे भी अगर कोई स्टूडेंट अगर छह घंटे भी अगर आप पढ़ सकते हैं डेली लेकिन रेगुलरिटी के साथ और प्रत्येक सब्जेक्ट को चाहे एक एक घंटा दो लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट को अगर डेली पढ़ते हैं आप तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है तो काम अच्छी बात है काम करना ही चाहिए ऐसा नहीं कि काम हमारी रुकावटें बनता है काम कभी रुकावटें नहीं बनता अगर हम घर का काम करते हैं और फैमिली के साथ करते हैं तो हमें एक्चुअल में मोटिवेट ही करता है ना कि हमें डिमोटिवेट करता है लेकिन टाइम को मैनेजमेंट हमें करना आना चाहिए ठीक है तो अरे मैं खुद भी करता हूं ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हेल्प के लिए मैं खुद भी करता हूं ये सब चीजें ऐसा नहीं कि आप ही करते हैं मैं खुद किया हुआ हूँ और करता भी हूँ जैसे भी जैसे अभी तो जयपुर रहता हूँ लेकिन जैसे ही घर जाता हूँ तो घर हमें ये काम करना ही पड़ता है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता मैं भी करता हूँ और खूब करता हूँ ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ ठीक है तो अभी फ़िलहाल तो क्लास करते हैं उसके बावजूद बात करते हैं आपको इस बारे में कोई बातचीत करनी है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा कॉल कर सकते हैं आप ठीक है इसके अलावा यह है कि अभी पहले फ़िलहाल क्लास पर ध्यान देते हैं ये टॉपिक अभी अधूरा रह जाएगा तो फिर फिर कल की क्लास में आपको आना पड़ेगा ठीक है आपका भी टाइम खराब ना हो तो ये आपका आयतन आ गया ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया देखो ये आ गया कि दो शीर्षों के बीच की, की न्यूनतम दूरी शीर्ष क्या है एक तो है एक है कि कमरे के उस उस कोने से इस शीर्ष तक तो ये तो गन का विकर्ण होगा तो ये सबसे अधिकतम दूरी है और सबसे न्यूनतम दूरी क्या है सतह के विक सतह की विकर्ण होती है सतह की जो भुजा होती है यह भुजा न्यूनतम फिर यह विकर्ण अधिकतम और फिर ये जो इस शोर से उस शोर तक वो क्या है वो वो मीडियम दिन ये अधिकतम तो यह हो गई ये घन का विकर्ण है और ये अधिकतम हो गई घन का विकर्ण घन का विकर्ण अधिकतम दूरी क्या है दोस्तों अधिकतम दूरी घन की बुजा क्योंकि दो शीर्षों के बीच जिस सबसे कम दूरी क्या रहेगी दो सतह की दो शीर्षों के बीच की दूरी बुजा के किनारे के अनुदिश वो दूरी होती है वो भूजा होती है वो सबसे न्यूनतम दूरी होती है तो घन की बुजा और घन की पूजा क्या होगी न्यूनतम दूरी और इनके बीच में मीडियम मीडियम दूरी रहती है वो क्या रहती है सतह का विकर्ण जो ये है सतह का विकर्ण क्या है दोस्तों सतह का विकर्ण अब है कि यदि एक घन में एक छोटा घन काट दिया जाए तो एक मान लो एक कमरा है या एक चौक का बॉक्स और उसमें से भी एक घन छोटा घन काट दिया जाता है तो उसमें क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो ये अगर काट दिया जाता है यहां से अगर ये यहाँ से काट दिया जाता है घन है तो ये देखो ये इंक्लूड हो जाएगा इसमें इसकी जगह ये नीचे वाला आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी इसकी बुझा मान लो एक्स दी हुई है तो अगर ये अगर इसमें से काट दिया जाता है यहां से तो ये यहां से तो कट गया लेकिन नीचे वाला तो रह जाएगा ना क्योंकि ठोस रहता है घन और अगर यहां से नीचे वाला रह गया तो ये तो इसकी जगह आ गया तो कंप्लीट पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये एक तो क्या हो गया क्षेत्रफल वो होता है जहां पर हम बाहर से कलर पेंट कर सकते हैं ठीक है तो ये तो हो गया सिक्स ए स्क्वायर कंप्लीट तो सिक्स ए स्क्वायर प्लस ये देखो इस गन की चार दीवारें चार दीवारें हैं तो चार इसकी बुझा क्या है एक्स तो एक सतह का स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्षेत्रफल तो चारों बुझाओं का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा चारों सतहों का चार एक्स स्क्वायर ठीक है आयतन क्या हो जाए आयतन कंप्लीट के आयतन में से आयतन लिख देता हूं एक क्यूब माइनस एक्स क्यूब आयतन हो जाएगा दोस्तों एक क्यूफ माइनस एक्स क्यूप ठीक है और अगर यहां से अगर किनोर किनोर से हम कट करते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि जो ये तीन सतहें कटी है तो तीन सतह ऊपर से कट गई लेकिन नीचे आ गए तो इसमें क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा ठीक है तो आज हम अब कंसेप्ट आज का घन के लिए जितने कंसेप्ट बनते हैं जितने आपके एग्जाम्स के लिए बनते हैं वो कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं अब अब क्वेश्चन करेंगे इन पे बेस्ट और क्वेश्चन करने के बावजूद आपसे जो भी बातचीत करनी है आपको वो करेंगे पहले फिलहाल अभी प्रश्न पर ध्यान दो ठीक है किसी गन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है तो गन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो गन का पूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है सिक्स ए स्क्वायर तो 6 गुना और 2.6 का स्क्वायर कितना रहेगा 6.7 और 6, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 3 बयालीस पांच चार छत्तीस छत्तीस और 4 40, तो चालीस पॉइंट छप्पन तो दोस्तों आंसर क्या आ गया बी आंसर आ गया इस क्वेश्चन का ठीक है नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक घन नो रूट तीन सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए घन की भुजा दे रखी है तो विकर्ण निकालो अब घन की भुजा एक का मान दे रखा है नो रूट तीन और घन का विकर्ण घन का विकर्ण होता है भुजा रूट तीन तो आप एक बार घन का विकर्ण निकालो एक बार कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए इस प्रश्न का कि इस प्रश्न का कि उसका विकर्ण घन का विकर्ण क्या होगा बातें तो कर रहे थे लेकिन एक बार यह भी बताइए इस घन का विकर्ण क्या होगा यह तो मैंने फॉर्मूला बता दिया कि घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है रूट तीन गुणा भूजा क्या है रूट तीन गुणा भूजा तो रूट तीन और भुजा कितनी है नो no रूट तीन नो no रूट रूट तीन और रूट तीन तीन और तीन को नो से मल्टीप्लाई करेंगे तो, तो सत्ताईस दोस्तों सत्ताईस कितना आ गया दोस्तों अब देखो जैसे ही प्रश्न की बारी आई तो कोई भी आंसर नहीं दे रहा बातें कितनी कर लो क्लास में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जैसे ही प्रश्न के लिए पूछता हूं तो कोई भी आंसर नहीं देता है ठीक है नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है कि तीन सेमी चार सेमी और पांच सेमी बुझाओं वाले तीन छोटे छोटे घनों को तीन सेमी चार सेमी और पांच सेमी वाले तीन छोटे छोटे पिघला कर एक बड़ा घन बनाया जाता है तीनों छोटे गनों को गनों के 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 पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल योग और बड़े गन का अनुपात ज्ञात करो इसमें यह है कि इन तीनों गनों का आयतन निकालो अब तीनों गनों का आयतन इनको मिक्स कर दो तो एक जगह एड हो जाएगा अब एड हो जाएगा फिर उससे बुझा निकालो वो बड़े वाले गन का आयतन हो गया तो उससे बुझा निकालो फिर इनका पृष्ठीय चेत्रपल और उसका पृष्ठ चेतरपल का अनुपात निकाल लो तो ठीक है इनका आयतन क्या है आयतन आयतन क्या है एक दो और तीन एक का कितना है सत्ताईस दूसरे का है चौसठ और तीसरे का एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस और चौसठ तो कितने हो गए एक सौ नवासी एक सौ नवासी और सत्ताईस एक सौ नवासी और सत्ताइस कितने हो जाएंगे दो सौ सोलह तो कितना हो जाएगा एक प्लस दो प्लस तीन बराबर बिग क्यूब। क्यूब का मतलब घन होता है तो ये कितना हो जाएगा दो सौ सो सोलह बराबर क्यों वॉल्यूम. और इसकी भुजा है कैपिटल ए और आयतन होता है ए क्यूब तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6. क्यों? सोलह किसका घन होता है 6 का होता है अब इनका प्रश्न क्षेत्रफल तो फ्रष्टीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों एक दो और तीन और प्रष्ठी क्षेत्रफल होता है सिक्स ए स्क्वायर तो सिक्स नौ नौ को छ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा चौवन सोलह को छह से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइनटी सिक्स और पच्चीस को छह से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सौ पचास इनका योग एक प्लस दो प्लस तीन इनका योग कितना हो जाएगा चौवन और छीन में एक सौ पचास एक सौ पचास और एक सौ पचास तीन सौ लेकिन बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा छह गुणा बूझा स्क्वायर तो छह स्क्वायर तो ये कंप्लीट कितना आ गया दो सौ सो, सोलह अब इनका अनुपात निकालते अनुपात कैसे निकालेंगे तीन सौ पहले कौन सा बता रहा है छोटे गनो का तो पहले छोटे गनों का फिर बड़े गन का तो छह से कट करेंगे तो पचास और छह से कट करेंगे तो छत्तीस फिर दो से कट करेंगे तो पच्चीस और दो से कट करेंगे तो अठारह तो क्या आ गया दोस्तों पच्चीस अनुपात अठारह क्या आ गया पच्चीस अनुपात अठारह नेक्स्ट है कि एक गन के किनारे की लंबाई अस्सी सेंटीमीटर है उस गन की प्रत्येक सतह पर पीले रंग से एक व्रत पेंट किया जाता है यदि व्रत से यथासंभव बड़ा क्षेत्र कवर करता है वर्त बड़ा चेत्र कवर करता है इसका मतलब है कि वो इस तरफ वाली बुझा के भी टच कर रहा है इस तरफ वाली के भी कर रहा है इस तरफ वाली के मतलब चारों बुझाओं के वो टच कर रहा है सतह पर व्रत बनाया गया है और पूछ क्या रहा है यदि वर्त से तो गन की पेंट न की गई सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो कंप्लीट गन का क्षेत्र पहले तो फ्रष्टीय क्षेत्रफल निकालो उसके बावजूद चार छह सतह तो छह सतह पर छह व्रत बनेंगे उनका क्षेत्रफल लेस कर देंगे एड करके अगर लेस कर देंगे पूरे घन के क्षेत्रफल में से तो जो जहां कलर नहीं हुआ वो क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा तो ये हमारा घन है देखो इसमें हम वर्त बनाते हैं तो ये वर्त बना लिया एक सतह देख लो दूसरी की आगे की हम देखते रहेंगे तो यहां से ये क्या हो गया व्यास हो गया और ये टू आर और टू आर बराबर क्या हो गई आर तो आर बराबर क्या हो गई ए बाई टू तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुणा बुझा स्क्वायर ठीक है भुजा स्क्वायर तो 6 चौसठ सो ठीक है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेकिन एक व्रत का क्षेत्रफल एक व्रत का क्षेत्रफल तो एक व्रत का क्षेत्रफल कितना होगा बाईस बटा सात और त्रिज्या कितनी है चालीस मल्टीप्लाई बाई चालीस यानी बाईस बटा सात गुणा सोलह सो तो अगर छह से एक व्रत है तो छह व्रत का क्षेत्रफल छह व्रत का क्षेत्रफल कितना रहेगा छह व्रत का क्षेत्रफल रहेगा छ गुणा बाईस गुणा सोलह सो बटा सात ठीक है तो जीरो जीरो चौबीस छत्तीस दो अड़तीस सेंटीमीटर स्क्वायर इसको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा सोलह को छह से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइनटी सिक्स और नाइनटी सिक्स को बाईस से गुणा करेंगे तो दो जीरो छ का एक सौ बत्तीस तेरह नौ बाईस को नौ से तो एक सौ अठानवे और एक सौ अठानवे और तेरा एक सौ अठानवे और तेरा दो सौ ग्यारह बटा सात अब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा डिवाइड करेंगे तो आएगा तीन बार जीरो एक बार पचास सात बार दस एक बार पॉइंट तीस में चार बार बीस में दो बार ठीक है दो तक पॉइंट ठीक है फिर भी बीस तो साठ में आठ बार तो इसको हम अल्टीमेट क्या लिख लेते हैं तीस एक सौ इकहत्तर पॉइंट तैयारी क्योंकि ये आगे तक बढ़ती हुई संख्या रहेगी तो दो से आठ है तो दो को हम तीन लिख सकते हैं ये क्या रहेगा हमने ये इसको निकटतम पूर्णांक कर दिया दो का निकटतम पूर्णांक कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा ठीक है अब है इसमें से ये कंप्लीट क्षेत्रफल में से अगर छह वर्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बिना पेंट किया हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा ठीक है तो वो कंप्लीट कितना था अड़तीस हजार चार सौ कितना था अड़तीस हजार चार सौ और ये कितना है तीस हजार एक सौ इकहत्तर पॉइंट तैयलीस यानी सत्तावन नौ में से एक गया तो आठ नौ में से सात गया तो दो तीन में से एक गया तो दो और ये आठ आठ हजार दो सौ अट्ठाइस पॉइंट सत्तावन सेंटीमीटर स्क्वायर तो आंसर आ गया दोस्तों हमारा क्या आंसर आ गया सी हमारा आंसर आ गया 8228.57 सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट प्रश्न है कि उस गन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है अगर गन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो गन का आयतन कितना होगा एक क्यूब और 8 का क्यूब कितना होता है घन का आयतन कितना होता है 1 क्यूब यानी 8 का क्यूब और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 500 12 और आंसर आ गया दोस्तों 512 ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है ठीक है नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप एक फलक क्या होता है एक सतह है और फलक एक ही चीज होती है फलक देख लो या सतह है, तो वो एक ही चीज होती है तो एक फलक ये फलक का परिमाप फलक का परिमाप एक वर्ग वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a और 4a होती है भुजा पूछा क्या है वो के और वर्ग की सेम ही रहेगी तो ए बराबर आ गया पूछ क्या क्या रहा है आयतन आयतन रहेगा यानी का और का क्यूब क्यूब और कितना हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों तो देखो, आर आर शत्त्रा, शत्त्रा दो सौ सोलह एग्जाम्स में आए हुए आर आरबी ग्रुप डी सत्रह सत्रह आठ दो हजार बाईस शिफ्ट वन में दो हजार बाईस में क्वेश्चन आया हुआ है मान लो कि पहले का क्वेश्चन आया हुआ तो ये बोल सकते हैं कि ये इजी था लेकिन ग्रुप डी में आया हुआ है रेलवे में आया हुआ है टीसीएस का पेपर है और दो हजार में आया हुआ बाईस में आया हुआ प्रश्न इतना है डायरेक्ट परिमा बुझा निकाली और डायरेक्ट अनुपात गन का जितना जल्दी आयतन निकलता उतना इजी तो किसी का नहीं है डायरेक्ट क्यूंप सभी को याद रहता है और क्यूंप के साथ बस जो बुझा रहती है पंद्रह के अंडर अंडर रहती है और डायरेक्ट इसका हमें आंसर रहता था ये तो निकालने की भी आवश्यकता नहीं रहती है ठीक है किसी गन का अभ्यंतर विकर्ण आठ रूढ़ती है तो इस गन का आयतन ज्ञात करो घन का विकर्ण घन का विकर्ण होता है रूट तीन ए बराबर आठ रूट तीन यानी ए बराबर आठ अब अगर ए बराबर आठ आ गया तो इस घन का आयतन कितना रहेगा घन का आयतन कितना रहेगा ए क्यूब यानी आठ का क्यूब और आठ का क्यूब कितना हो गया पांच सौ बारह तो आंसर आ गया दोस्तों सी हमारा आंसर आ गया कितने सवाल है ये दो हजार दो हजार इक्कीस को शिफ्ट टू स्टेज फर्स्ट के लिए क्वेश्चन आया हुआ है ये ठीक है और ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है और इसका इतना ही आंसर बस थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको याद और फॉर्मूला निकालना ही मैंने आपको समझा दिया है कि एक्चुअल तो विकर्ण का कैसे निकालते मैंने कल नाम में बताया था कि पहले फर्श का विकर्ण निकालो फर्श का विकर्ण और उसकी हाइट और उसका विकर्ण डायरेक्ट ये सम समकोण त्रिभुज बन जाएगा और समकोण त्रिभुज से उसका कर्ण निकालेंगे तो इसका विकर्ण आ जाएगा ठीक है एक गन की सभी बुजाओं का योग एक गन की सभी बुझाओं का योग 48 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन देखो मैंने कल कल भी बताया था आज भी बताया दर, कितनी बुझाएं होती है गन में 12 बुझाएं हो या किनारा बुझाओं का क्या क्या बोल सकते हैं इसको किनारा भी बोल सकते हैं और भुजाओं को किनारा बोल सकते हैं तो कितनी बुझाएं होती है बारह बुझाएं तो बारह ए बराबर दोस्तों फोर्टी एट योग मतलब परिमाप हो गया तो एक भुजा एक भुजा का मान कितना हो गया चार क्या पूछ रहा है आयतन आयतन होता है एक क्यों और एक क्यूब मतलब चार का क्यों और चार का क्यों मतलब चौसठ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर तो आंसर आ गया दोस्तों हमारा सी आंसर आ गया नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक सात सेमी बुझा वाले छह एक समान घन एक दूसरे के स निकट रखे गए हैं क्या रखेंगे प्रत्येक सात सेमी बुझा वाले छह एक समान घन रखे गए हैं ये देखो अभी हमने किया था ये ये रखे हुए कितने रखे हुए ये दो रखे हुए अगर सात सेंटीमीटर के हैं और अगर सात छह रखे हुए हैं छह रखे हुए तो लंबाई कितनी हो जाएगी दो रखे हुए हैं तो टू ए तो छह रखे हुए कितने हो जाएंगे उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों सिक्स ए तो प्रत्येक सात से मुझे छह छह रहेंगे तो इसकी लंबाई गनाब हो जाएगा और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों क्या पूछ रहा है आयतन पूछ रहा है दो इस प्रकार से निर्मित ठोस का आयतन तो जितने तो जितने भी घन रखे गए हैं उनकी संख्या गुणा एक घन का आयतन गनों की संख्या गुणा एक घन का आयतन घनों की संख्या गुणा एक घन का आयतन एक घन का आयतन तो घनों की संख्या कितनी है छह है और घन का आयतन कितना हो जाएगा सात क्यूब तो छ और सात का क्यूब कितना होता है तीन सौ तैयलीस छह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 24 में एक ऐड करेंगे तो 25, दो 18 में दो ऐड करेंगे तो दो तो दो सेंटीमीटर क्यूब इस प्रश्न का आंसर आ गया दोस्तों ठीक है नेक्स्ट प्रश्न कि दो से दो सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर किसी गन की सभी बाहरी सतहों को रंग करने की लागत इतनी है गन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है सिक्स ए एक सेंटीमीटर स्क्वायर में दो रुपए की है तो स्क्वायर में कितनी हो जाएगी स्क्वायर गुणा दो और कंप्लीट लागत आ रही है पांच सौ अब अगर आप यहां से एक का मान निकाल लेते हैं और ए का क्यूब कर देते हैं तो इसका आयतन आ जाता है ठीक है छ दो से कट करेंगे तो उनतीस और चार और छह से कट करेंगे तो चार बार और चौवन में नौ बार तो ए बरा ए स्क्वायर बराबर उनचास तो, उनचास किसका वर्ग होता है सात का तो दोनों तरफ तो वर्ग मूल करेंगे तो ए बराबर अब इसका आयतन पूछ रहा डायरेक्ट तीन सौ सात का क्यूब कितना होता है तीन तैयलीस एक क्यूब बराबर सात का क्यूब और तीन सौ तेलिस कितना है दोस्तों तीन सौ तैयारी ठीक है नेक्स्ट प्रश्न कि यदि एक घन के किनारे को एक जाता है तो इसका आयतन कितना बढ़ जाता है एक सौ गुणंतर घन सेमी बढ़ जाएगा तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई ज्ञात करो ठीक है घन की लंबाई पहले कितनी थी पहले थी ए अब हो गई ए प्लस एक सेंटीमीटर तो कितना बढ़ गया इसका क्यूब करो और इसका पहले वाले का पहला आयतन ये था और इसमें एक सौ सेंटीमीटर अगर एड कर देते हैं तो इसके बराबर क्योंकि इतना कितना बढ़ गया पहले एक क्यूब था अब एक सौ सेंटीमीटर और बढ़ गया तो एक क्यूब एक सौ सेंटीमीटर बराबर इसका ये देखो ये क्या है यह ए प्लस वन इसकी गई तो इसका

तीन ए माइनस एक सौ उनहत्तर उन इस तरफ आएगा तो माइनस का एक सौ उनहत्तर और माइनस का एक सौ एक प्लस का एक गया तो कितना आ जाएगा माइनस का एक सौ अड़सठ बराबर से कट कर दो सभी तीन, से में तीन का भाग दिया, तो एक एक दिया तो एक और इसमें तीन का भाग दिया तो पांच बार अठारह में छह बार बराबर जीरो ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको गुणा करने पर तो आए छप्पन और घटाने पर कितना है एक तो कितनी आएगी सात और आठ तो अरे सॉरी ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस आठ ए माइनस सात ए और माइनस छप्पन जीरो करेंगे तो कितना आएगा प्लस का ए अब ये इस प्रकार टुकड़े द्वि का समीकरण का टुकड़े करना यही मतलब है मैंने पहली क्लास में ये चीजें बताई बताया हुआ हूं कि एक्चुअल में ये किस प्रकार इनका ये टुकड़े करते हैं कि इस चिन्ह से तो घटाना है या जोड़ना है देखना है एक और इस दोनों को को संख्याओं गुणा करना है और उन गुणनफल के बराबर दो ऐसी पर, पर तो के के आठ और माइनस का सात कॉमन ले लिया तो, A 8, लिया तो भी इसमें से सात माइनस सात ले लिया तो ए बच गया माइनस और सात ले लिया तो प्लस का आठ बच गया बराबर जीरो आ गया ए माइनस सात और एक आ गया ए प्लस आठ बराबर जीरो तो ए बराबर सात और माइनस का आठ जो ये तो नहीं ले सकते माइनस का आठ क्योंकि कभी भी लंबाई माइनस में नहीं हो सकती तो क्या रही ए बराबर सात सेंटीमीटर तो गन की प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है सात सेंटीमीटर ये मूल की हाँ अगर आठ सेंटीमीटर किसकी होगी जो नया बनाए लेकिन इसके लिए लिखता नए गन के प्रत्येक भूजा की लंबाई ठीक है वाला अब आयो। क्लास तो ऑलमोस्ट समाप्त तो होने वाली है अब आप क्लास में आयो कोई बात नहीं आप पीछे से बेक करके देख लेना ठीक है रिवर्स करके देख लेना क्लास को नेक्स्ट प्रश्न है कि, कि किसी गन के सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है देखो इस चीज इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना एक अच्छा प्रश्न है ठीक है कि गं, गं की बुझा। इसमें मात्रक नहीं देखना इसमें आंकिक मान बराबर दे गन की बुझा है कैपिटल ए और वर्ग की बुझा क्या है वर्ग की बुझा वर्ग की बुजा है स्मॉल ए सभी कोरों का योग सभी कोर कितनी है बारह तो बारह गुणा ए बराबर किसी वर्ग के परिमाप के बराबर वर्ग का परिमाप होता है चार इन बुझा तो फोर ए चार से कट करेंगे तो तीन तो ए बराबर तीन ए ये यह देखो यहां तक यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर इसका मतलब है ये आंकिक मान बराबर है तो घन का आयतन कितना होगा ए क्यों बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर ए बराबर तीन ए रख दो क्या रखोगे या इस बराबर ए बराबर बटा तीन रख दो तो A बटा तीन का बराबर स्क्वायर तो A बटा का क्यूब सत्ताईस होता है और ये क्या होगा ए स्क्वायर अब गात दो है दो से तीन कटे तो क्या बचेगा यहां पे ए बच जाएगा और ए बटा सत्ताईस बराबर एक सत्ताइस उस तरफ चला जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा अब पूछ क्या रहा है ये वर्ग की बुझा तो वर्ग की बुझा ए माना था एक का मान कितना आ गया 27 इकाई तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया सी हमारा आंसर आ गया अब इसे काफी लेट आए हो क्लास में एक ना आते ही क्वेश्चन का आंसर दियो वेरी गुड बेटा आंसर 27 होगा इसका ठीक है नेक्स्ट प्रश्न एक लंब कोणिक समांतर सट जिसके छह फलक हैं धातु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मतलब है, है मतलब तो मतलब ये क्या है ये फिक्स है तो फिक्स है तो घनाभ है इस धातु को पिघलाकर कई घन बनाए गए जिनमें प्रत्येक घन की भुजा का माप जीरो पॉइंट तीन मीटर है तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं तो घनाभ का आयतन घनाब का आयतन देखो पिघला कर बनाया जाता है तो आयतन बराबर मतलब कितने है तो पता नहीं है तो एन घनों का आयतन एन घनों का आयतन एन घनों का घनों का आयतन अब घनाभ का आयतन क्या था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा

फिर तीन से कट करेंगे तो जीरो पॉइंट चार तीन से कट करेंगे तो जीरो पॉइंट पॉइंट चार को पच्चीस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सो चार को पच्चीस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सो लेकिन यह क्या है यह मीटर है और यह भी मीटर है लेकिन जीरो पॉइंट तीन है ठीक है जीरो पॉइंट

हजार से हजार को जीरो पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो तो पॉइंट में चला जाएगा बाकी दो जीरो इसके आगे एड हो जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों छह हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है कि दो गनों का आयतन चौसठ अनुपात तेरह सौ इकतीस है तो उनके कुल पृष्ठित क्षेत्रफलों का गन क्या आयतन क्या है त्रीवी आयतन त्री मी क्षेत्रफल क्षेत्रफल कोई सा भी हो द्विवीमी द्विवीमी और परिमाप, परिमापुझा विकर्ण ये सब क्या है एक वीमी यानी अगर ये ए है तो ये A रहेगा और ए क्यों रहेगा अनुपात में अब है कि पूछ क्या क्षेत्रफल इनका आयतनों का अनुपात देर का तो घन एक और घन दो आयतनों का अनुपात कितना दे रखा चौसठ अनुपात तेरह सो इकतीस ये क्यों प्रत है अगर ये पहले बूझा निकालेंगे तो बुझा निकालेंगे तो क्या रखेंगे इनका अनुपात ही रखेंगे और अनुपात के लिए बुझा रखेंगे तो एक का अगर घनमूल कर देते हैं तो ए आ जाएगा और ये भुझा का मान आजा परिमापुर विकर्ण का अनुपात आ जाएगा तो चार चौसठ का घनमूल क्या होता है चार और तेरह सौ इकतीस का ग्यारह अब क्षेत्रफल ये तो बुझा का आ गया ये आयतन का आ गया अब क्षेत्रफल का क्या आएगा क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है ये ए ये ए क्यूब और अगर ये ए स्क्वायर रहेगा तो चार का स्क्वायर सोलह और ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस तो आपको यहाँ पे ऐसे आपका कॉमन सेंस अगर इतना काम करता है तो आपको कहीं भी इसमें फॉर्मूले याद रखने अगर ऐसा क्वेश्चन और कहीं भी आ जाता है क्षेत्रफल आयतन तो आपको बस विमाओं का ध्यान रखना आयतन देर का मतलब है क्यूब उसका घनमूल कर दो तो बुझा आ जाएगी इसको क्षेत्रपल निकलो तो क्षेत्रफल आ जाएगा परिमाप पूछ लेता है तो अगर पूजा का अनुपात होगा वही परिमाप का अगर वही वही विकर्ण का होगा ठीक है नेक्स्ट प्रश्न एक गन की प्रत्येक पूजा में पचास परसेंट की वृद्धि कर दी जाती है पचास प्रतिशत प्रतिशत तो आपने पढ़ा होगा और पचास प्रतिशत पचास और प्रतिशत हटाएंगे तो दोस्तों नीचे सो लगेगा तो कितना आ जाएगा ये एक बटा दो कितने की वर्दी दो में एक की वर्दी तो पहले दो थी एक की वर्दी हो गई और कितना हो गया तीन हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल में वर्दी पहले वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था दो गुणा स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो जाएगा छह गुणा तीन का इसको है, तो चार तो चौबीस और नौ को छह से मल्टीप्लाई करेंगे तो चौवन आप में से कोई पूछेगा कि सर इसमें तो दो और तीन पर, अगर कभी भी प्रतिशत पूछता है प्रतिशत में आंसर पूछता है एक चीज ध्यान में रखो संख्या यहां पे चाहे पांच हजार दी हुई हो लेकिन वो संख्या हमें सिर्फ कंडीशनल क्वेश्चन के अप्लाई करनी लेकिन संख्या अपनी माननी है दो और तीन की जगह दो सौ और तीन ही मान सकते हैं क्योंकि दो सो में सो की वृद्धि होती तो है तीन सौ तो पचास परसेंट की वृद्धि हो गई कंडीशन अप्लाई हो रही है और कंडीशन अप्लाई होने के साथ साथ क्या हो रहा है इसमें कंडीशन अप्लाई हो रही है और संख्या हमारी इजी हो गई ठीक है तो चौबीस से चौसठ हो गया चौवन हो गए कितनी वृद्धि हुई तीस की वृद्धि हो गई तीस की वृद्धि पूछ रहा होने वाली वृद्धि प्रतिशत कितने के सापेक्ष चौबीस के सापेक्ष और गुणा में सो छह से काटे तो पांच बार और छह से काटे चार चार से काटे तो पांच पच्चीस बार तो मल्टीप्लाई करें पांच गुणा पच्चीस को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा एक सौ पच्चीस प्रतिशत कितना आएगा दोस्तों एक सौ पच्चीस प्रतिशत अभिषेक का आंसर सही है एक सौ पच्चीस प्रतिशत यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सैतीसो से वर्ग सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात करो घन का और घन का का होता है 6A से 350, तो A का तो भाग देंगे कितना आएगा दो बार तीस में पांच बार तो ए स्क्वायर तो ए तो बराबर कितना आएगा 625 सौ पच्चीस किसका वर्ग होता है वर्ग वर्ग होता है पच्चीस का तो ए बराबर पच्चीस आया तो इसका आयतन इसका आयतन कितना होता है ए और एक क्यूब यानी पच्चीस का क्यूब दोस्तों पच्चीस का क्यूप होता है पंद्रह हजार छो पच्चीस कितना अभिषेक का फिर आंसर आ गया देखो अभिषेक जब तक क्लास में नहीं आता तब तक क्लास का मजा ही नहीं आता है यह आने के बाद हमेशा कंटिन्यू हर प्रश्न का आंसर देगा हाँ हो सकता है कभी कभार इसका आंसर गलत निकलता लेकिन ये हमेशा ट्राई करता है न कि बैठता नहीं है कि ऐसे बन गए संत महात्मा बन गए ठीक है क्या चल रही है मूवी चल रही है हम देख रहे हैं बस ऐसा नहीं करता है ठीक है आने के बावजूद ये देता है आज की क्लास समाप्त हो चुकी है आज के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो भी दोस्त बात करना चाह रहे थे शुरू में खूब बातें करे थी वो अब कमेंट कर सकते हैं अब सभी के कमेंट का मैं जवाब दूंगा आज हमारे पास टाइम भी है तो इस टाइम के लिए हम इस टाइम हम बात कर सकते हैं किसी को कुछ भी पूछना हो इसके अलावा पिछली क्लासेज के लिए या किसी के बारे में कुछ कुछ भी पूछना हो कोई डिमोटिवेट हो रहा हो किसी के कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो पूछ सकता है आज ठीक है आज टाइम भी है तो इस टाइम का हम काम करेंगे इसका यूज लेंगे बात करने में ठीक है तो किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकता है ठीक है और ये पी है दोस्तों ये पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल है नरेंद्र मेथ के नाम से टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएगी और इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई भी मैं आपके कमेंट देखता हूँ क्लास देखने के बावजूद अगर आपको क्लास जैसी भी लगी अच्छी जितनी अच्छी लगी या इसमें जो भी चीज़ कमी या अच्छी लगी जो चीज़ आपको लगी इस क्लास में वो आप कमेंट करके बताएं कि सर इसमें ये हमें ये समझ में नहीं आया या ये समझ में आया ये ये चीज़ नहीं समझ में आई तो इसको कल की क्लास में दोबारा समझाइए तो मैं अवश्य इस क्लास उस चीज़ को मैं वापस समझाऊँगा ठीक है और इसके अलावा ये देखो मैं रेलवे एल के लिए ये क्विक रीजन कराऊ मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न करवा रहा था इसके साथ लेकिन कई बच्चों की डिमांड आई कि सर प्रीवियस ईयर तो करवा दो लेकिन हमारा कई कई टॉपिक है जो एडवांस मैथ हमारी वीक है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने इस प्रकार से चार क्लासेज में कंप्लीट की कि उसमें आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ तीन टो तो, तीन सूत्र के बेस पे तीन सूत्र पे मैंने कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री करवा दी और ट्रिग्नोमेट्री में आपको ना ही तो मैथ बैकग्राउंड की आवश्यकता रही उसमें और ना ही आपको किसी चीज़ की आवश्यकता रही कि कोई सूत्र याद याद कुछ नहीं बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताया और उस पर कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेगा जिसने वो क्लासेज ले ली चार की चार वो क्लास लेने के बावजूद ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा और कंप्लीट रेलवे के क्वेश्चन मैंने बोर्ड भी करवाए हैं और हर बच्चे ने आंसर दिया उसका उसके बावजूद मैंने उसका सॉल्यूशन करवाया है तो इस प्रकार आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं कल मिलते हैं कल यही सात बजे इसी टाइम और जो भी आपके दोस्त जिनके पास इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाता है जिनके पास इस क्लास का लिंक नहीं जाता है तो प्लीज़ उनके पास शेयर कीजिए और उनको भी बताइए इस क्लास के बारे में कि ये क्लास किसके लिए स्टार्ट की गई ये नाम तो ये एल पी मैथ टेक्नीशियन लिखा हुआ बस ऐसा है कि बच्चों का जिनका एग्जाम उनके लिए उनको लगे कि हाँ ठीक है वो डिमोटिवेट रहते हैं उनको लगे कि हाँ ये हमारे लिए लिएचुअल में यह है

क्लास लाने में भी बिजी रहना जरूरी है लेकिन इसके साथ दोस्तों यह भी है कि क्लास अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहनी चाहिए अब पढ़ाई में ऐसा है कि जैसे रोज हम दस बारह घंटे पढ़ते थे तो हो सकता है कि घर में काम करने की वजह से हमें पाँच छह घंटे पढ़ना पड़े तो पांच छह घंटे तो कम घंटे तो कम से तो कम दोस्तों पांच छह छह घंटे तो पढ़ना ही आपको चाहिए ठीक है तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों ठीक है मिलते हैं कल कल की और नए सेशन के साथ कल मिलते हैं और कल नया टॉपिक लेके आएंगे और आज कंप्लीट घन प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ गन को हम कंप्लीट करते हैं इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं थैंक यू धन्यवाद